प्रतिपुर की कृषि उपज मंडी के सामने झाड़ियों में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न हालत में महिला का शव। प्रतिपुर के निवाड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने झाड़ियों में एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं उक्त घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिपुर थाने में दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेते हुए मौके से महिला का मोबाइल चप्पल बरामद करते हुए महिला की पहचान प्रतिपुर की आभा तिवारी के रूप में की गई है, जो जेरोन के आयुष विभाग में पदस्थ थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा महिला के शरीर पर मिली चोटों के निशान को लेकर पुलिस इसे हत्या करार दे रही है। वहीं इस मामले में प्रतिपुर एसडीओपी संतोष पटेल की माने तो पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और FSL टीम को घटना स्थल का मुआयना करने के लिए बोला गया है और घटना कोलिस्ट्रो खुलासा करने की बात कर रही है। हत्या कर दी गई और उस तक झाड़ियों में फेंका गया। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है अपने पूरे क्षेत्र के, न केवल क्षेत्र के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तरह की घटना चोरी हो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली जाए उसके साथ खिलवाड़, ये तो बहुत ही निंदनीय। और चोरी भी निश्चित रूप से मुझे बताया गया कि इन्हीं के परिवार में कुछ दिन पहले पूर्व जेरोन में चोरी भी हुई और अकेले इनके घर में नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार पूरे प्रतिपुर नगर की बात हो, प्रतिपुर विधानसभा में चाहे मोहनगढ़ हो, चाहे भगोड़ा हो, चाहे जेरोन हो, जेरोन में तो बता रहे हैं पिछले 17-18 दिनों में 12 चोरियां हो गई और नगर में चोरी के साथ साथ धार्मिक स्थल लक्ष्मी माता की चोरी, जिसका भी अब तक कोई खुलासा ठीक से नहीं हो पाया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर खुलासा इसका करना चाहिए और इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूरे नगर के लिए है। इससे भय का वातावरण होता है और भय के साथ साथ एक परिवार जिसको ये क्षति हुई, ये इसकी कोई कमी पूरी नहीं कर, किसी के भी परिवार का यदि कोई जाता है तो इसकी कमी कोई पूरी कर नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस मैटर को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये तुलसीपुर विधानसभा के भविष्य की बात है। लगातार ये वातावरण, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब से ये उपचुनाव हुआ है उसके बाद लगातार इस तरह का वातावरण, इस तरह की चोरी की घटनाएं लगातार हमारी विधानसभा क्षेत्र में और जिले में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाहरी लोग जो यहाँ पर आए हैं उनकी वजह से मुझे लगता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, और पुलिस को, प्रशासन को इसकी ओर जाँच करना चाहिए। और जो भी बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं, तमाम चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या बाहर के हों, उनके ID कार्ड या उनके बारे में जानकारी पुलिस को जरूर करनी चाहिए कि कौन कौन यहाँ रह रहे हैं, क्या है इस बारे में। ये अति महत्वपूर्ण है और ये वातावरण इस तरह के होगा तो हमारे नगर और हमारे क्षेत्र को ये दूषित किया जा रहा है, क्योंकि ये शांतिप्रिय यहाँ के लोग हैं, वातावरण शांत है और अचानक कुछ महीनों से यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है, इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सर बताएं, महिला का शव जो है अर्धनग्न अवस्था में मिला है, क्या पूरा मामला है, अब तक क्या कुछ शिनाख्त हो पाई है? डायल 100 के माध्यम से सूचना हुई थी तो हमारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जैसी यहां पर देखा कि संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी पहचान उसके परिजनों ने की है आभा तिवारी के रूप में, जो जेरोन खालसा में आयुष विभाग में काम करती थी। अभी सौ पंचायत नामा कार्रवाई की गई है, FSL हमारी टीम आ रही है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत जल्द हम लोग इसके उस व्यू पर जाएंगे कि कैसे ये घटना हुई और इसका आरोपी कौन है। सर, महिला के शरीर पर चोटों के भी निशान पाए हैं? बिल्कुल, प्रथम दृष्टया यही मालूम हो रहा है कि किसी न किसी तरह से ये मतलब किसी के द्वारा हत्या कारित की गई है। अब तक पुलिस कहां तक पहुंची? अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं घटना के बाद कांग्रेसी नेता नित्येंद्र सिंह राठौर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच कर घटना का शीघ्र खुलासा करने की बात कही है। कैमरामैन शिवम श्रीवास्तव के साथ संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज़ Live 18।